हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SBI नेट बैंकिंग का और योनो SBI एप्लीकेशन का यूजर नेम और पासवर्ड आप कैसे फॉरगेट कर सकते हैं। आप काफ़ी दिनों से कम एक दो महीना से लॉगिन नहीं किए हैं और आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, आपको एरर आता है कि इनवैलिड पासवर्ड या इनवैलिड यूजर नेम, तो आप इसको पहले फॉरगेट कीजिए और आप लॉगिन कीजिए और सक्सेसफुली आपका लॉगिन हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अकाउंट कभी बनाया ही नहीं था तो पहले आप अकाउंट बना लीजिए, यानी कि नेट बैंकिंग का अकाउंट बनाइए, योनो SBI का अकाउंट बनाइए, उसके बाद आप इसको फॉरगेट कीजिए। अगर आपने कभी यूज किया था इन फ्यूचर और अभी आप लॉगिन करते हैं आपको प्रॉब्लम आते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप नेट बैंकिंग का और योनो SBI एप्लीकेशन का पासवर्ड यूजर नेम कैसे फॉरगेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक वेबसाइट ओपन करना है। ओके, आप योनो एप्लीकेशन में बाद में लॉगिन कीजिएगा, पहले आप एक वेबसाइट ओपन कीजिए। तो आप अपने मोबाइल में एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और आप न्यू टैब लेकर आप गूगल में सर्च कीजिए ऑनलाइन SBI। ओके, ऑनलाइन SBI सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में एक वेबसाइट दिख जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप इस वेबसाइट में क्लिक कीजिए। वेबसाइट में क्लिक करने के बाद आप लॉगिन में क्लिक कीजिए। लॉगिन में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर टू लॉगिन, यानी कि कंटिन्यू टू लॉगिन। तो कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, क्योंकि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट करने का कि आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं या यूजर नेम फॉरगेट करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्लिक कीजिए। क्योंकि मैं अपना यूजर नेम भी भूल चुका हूँ तो यूजर नेम फॉरगेट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और फॉरगेट यूजर नेम को सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट के बटन में क्लिक कीजिए। अगर आपको अपना यूजर नेम याद है और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पर पहले यूजर नेम फॉरगेट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आपसे CIF नंबर पूछेगा, तो आप अपना पासबुक चेक कीजिए, आपके पासबुक में CIF नंबर लिखा होगा। उसके बाद आप कंट्री में क्लिक कीजिए और इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर है। उसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करके सबमिट के बटन में क्लिक कर दीजिए। तो हम अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट के बटन में क्लिक कर देते हैं। सबमिट के बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आपके मोबाइल में एक OTP आएगा 6 डिजिट का या 7 डिजिट का, यहाँ पर 8 डिजिट का भी OTP कभी कभी आ जाता है। तो जितना डिजिट का आपको OTP आते हैं आप उस OTP को यहाँ पर इंटर कर दीजिए और कन्फर्म में क्लिक कर दीजिए। तो हमें एक OTP रिसीव होने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर OTP टाइप कर दिया है और यहाँ पर कंफर्म में क्लिक कर दिया है। कंफर्म में क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपका यूजर नेम आपको दिख जाएगा, तो आप इस यूजर नेम को कहीं पर नोट करके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम यहाँ पर याद करके रख लेते हैं और यहाँ सब हम बैक हो जाते हैं। तो अब आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट करना है तो आपको इस लोगो में क्लिक करना है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आप गूगल में फिर से सर्च कीजिए ऑनलाइन SBI, क्योंकि अभी मैंने यूजर नेम फॉरगेट किया है और पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको फिर से इसी वेबसाइट पे आना है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आना है, लॉगिन में क्लिक करना है और कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यूजर नेम फॉरगेट किया था, अब हम यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड और नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपसे यूजर नेम पूछेगा, तो आप अपना यूजर नेम टाइप कर दीजिए जो भी आप रिसीव किए हैं। यूजर नेम टाइप करके आप यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप कर दीजिए, कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ टाइप करके ये कैप्चा कोड टाइप करके सबमिट के बटन में क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट के बटन में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस टाइप से और आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, तो आप उस OTP को यहाँ पर इंटर कर दीजिए। OTP इंटर करने के बाद जो है ये OTP कॉपी और पेस्ट नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पर मैनुअली OTP टाइप करके कंफर्म के बटन में क्लिक करना है। जब आप कंफर्म या सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है यूजिंग एटीएम डिटेल्स, एटीएम का डिटेल्स। तो आप यहाँ पर यूजिंग एटीएम का डिटेल्स में क्लिक कीजिए और सबमिट में क्लिक कीजिए, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो ही। जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आपका कार्ड नंबर दिख जाएगा, आपके एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप उसको सिलेक्ट करके कन्फर्म में क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर टाइप करके, कार्ड होल्डर नेम टाइप करके, एटीएम पिन टाइप करके, कैप्चा कोड टाइप करके आप प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। तो आप सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दीजिए एटीएम कार्ड से रिलेटेड और प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपसे एक नया पेज, आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आप ये देख सकते हैं योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन सक्सेस। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, कम से कम एक मिनट, और वेट करने के बाद जो है एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड एंड कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो गाइस आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप करना है। अगर आपको पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो में बताए हैं कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड खुद से कैसे बना सकते हैं ताकि कोई हैकर आपके अकाउंट को हैक ना करे। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हो वो वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिए, लॉगिन पासवर्ड, और सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका यूजर नेम का पासवर्ड यहाँ पर फॉरगेट हो जाएगा, आपका पासवर्ड यहाँ पर नया बन जाएगा। और यूजर नेम पासवर्ड मिल जाने के बाद आप अपने मोबाइल में योनो SBI एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा। तो आपको यहाँ पर पहले इसमें कट में क्लिक करना है और जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन टू इंटरनेट आईडी में क्लिक करना है। और इंटरनेट बैंकिंग में क्लिक करने के बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके सबमिट के बटन में क्लिक करना है। जब आप सबमिट के बटन में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, तो आप उस OTP को यहाँ पर इंटर कर दीजिए। और OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर MPIN सेट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कीजिए और आपको MPIN सेट करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पर 6 डिजिट का एक MPIN सेट कर लीजिए। MPIN सेट करने के बाद जो है नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से आपको OTP आएगा, तो आप इस OTP को यहाँ पर इंटर कर दीजिए और नेक्स्ट के बटन में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के बटन में क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा योनो एप्लीकेशन के अंदर। सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं OTP एक्सपायर बता दिए हैं। तो हम फिर से सबमिट में क्लिक करते हैं, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और देखते हैं इस बार OTP काम करता है कि नहीं। और फाइनली आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा पासवर्ड यहाँ पर यानी कि मेरा अकाउंट बन चुके हैं योनो एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस आप इसी तरह से योनो SBI एप्लीकेशन में अपना पासवर्ड और यूजर नेम फॉरगेट कर सकते हो इजीली, और आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ये सारे फीचर्स मैं कभी डिस्कवर करूंगा अगले वीडियो में। करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।